निर्माणधीन सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग पर बनाए जा रहे भारतीय राजमुद्रा की प्रतिकृति का विद्रूपीकरण तत्काल रोकें और कृषि उत्पादन पर लगाई गए GST तत्काल रद्द करें आदि मांगों को लेकर शहर के संविधान चौक पर वंचित बहुजन अघाड़ी के नागपुर शहर अध्यक्ष रवि बाबू शेंडे के नेतृत्व में भव्य जन आक्रोश आंदोलन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पेश हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी संविधान चौक से ये ग्राउंड रिपोर्ट। वारिस सरकार तेरा खेल, नागरिकों का हो रहा खेल, आइए देखते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली गई और संविधान चौक पे जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। इस समय हमारे साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी है राजा लोखंडे और रवि शेंडे है, उनसे जानना चाहेंगे। शेंडे जी, बताएंगे किस बात को लेकर आज ये शव यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहते हो आप? जिस बात को ये शव यात्रा निकाली गई वो बात तो जगजाहिर है। कुछ ही दिन पहले ये भारत सरकार ने जिस प्रकार की GST सारे देश में लगाई थी, जिससे सारा व्यापारी वर्ग परेशान था, लेकिन वो GST का धक्का अभी गरीबों को, मजदूरों को, वंचितों को लगने जा रहा है। क्यों? कि जो अन्न धान्य है, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें है, दाल, तेल, नमक, मिर्ची, ये सब पे GST लग गया। उसके बावजूद जो विद्यार्थी है, गरीब विद्यार्थी है, उसके ऊपर भी शालेय सामग्री, जो शिक्षण की सामग्री, पेन, नोट, कागज, ये वही पुस्तक, इस पर भी GST लगा दिया गया। इस वजह से यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का पीड़ित, यहाँ का वंचित, ये बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो चुका है। ये एक प्रकार से भारत सरकार गरीबों को मारना चाहती है, उनकी जान लेना चाहती है। इसके पहले ही जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए हमने जिसने इस देश में GST लगाया उसकी शव यात्रा आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हमने निकाल दी है। अगर आपकी मांगों को सरकार दरकिनार करती है, आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो भविष्य में आपकी अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हमारे नेता सदैव बाला साहब अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में आज जो शव यात्रा निकली है, वो शव यात्रा एक्चुअली देश में हुकुमशाह राज चालू है और ये हुकुमशाह राज में जिस तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही है RSS की तरफ से, वो RSS जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, उसके लिए बाला साहब अम्बेडकर आगे जो निर्णय लेंगे इससे बड़ा आंदोलन छेड़ने का वक्त आएगा, तो हम तैयार हैं। उसी तरह यहाँ का जो विरोधी पक्ष है ये भी चुपकी छाटा हुआ है और संसद में देखा जाए चार चार 22 खासदार आज तक के निलंबन हुए हैं महंगाई के विरोध में। इस तरह सांसद लोगों का आवाज दबाने का काम, जहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई जाती है, हर चीज का निर्णय जनता के हित के लिए लिया जाता है, उस जगह भी हुकुमशाह राज शुरू है। तो अपन तो जनता ही है और जनता होने के कारण हमारा काम है कि यहाँ के सरकार के विरोध में एक डेमोंस्ट्रेशन होना चाहिए और इससे बड़े पैमाने में वक्त आएगा तो इससे बड़े पैमाने में हम सदैव नेता बाला साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में करेंगे। देश को आजाद हुआ 75 साल का वर्षकाल हो चुका है, ऐसे में देश आजाद है या नहीं ये अभी भी बात लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से GST को लेकर खानपान की चीजों पे, जो वस्तुओं पे जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, जिसके चलते लोग आज भी देश आजाद हुए मगर नागरिक आज भी देश के आजाद नहीं हुए। महंगाई के इस मार से कब आजादी मिलेंगी, केंद्र सरकार इस ओर कब ध्यान देगा, इसके लिए पूरे भारतवर्ष का लक्ष्य लगा हुआ है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज नागपुर।